हाई एवरी वन वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स क्लासेज बाय इमरान खान एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्यूज एंड डिफरेंस बिटवीन तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो भी गिवन चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं हमारे जिनमें कुछ डिस्टिंगूज़ और डिफरेंस बिटवीन दिए हुए हैं और एग्जाम में एक डिस्टिंग्यूज डिफरेंस बिटवीन आता ही आता है तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से डिस्टिंग यूज़ हैं तो टोटल अगर हम ओवरऑल मैं बुक की बात करूं तो जितने भी हमारे 16 चैप्टर्स हैं उनमें से एट डिस्टिंगज़ आपके मिलते हैं तो मैं पहले आपको एट डिस्टिंग यूज़ बता देता हूं फिर लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि वो पाँच डिस्टिंगज़ कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो बेटर है कि आप आठों डिस्टिंग यूज़ कर लो लेकिन अगर आप एट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट टॉप फाइव डिस्टिंगज़ आपको ज़रूर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए तो चलिए डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला है डिस्टिंग्यूज़ बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो बेसिकली ये जो है ये आपको चैप्टर नंबर वन रोटेशनल डायनेमिक्स में मिलेगा तो अगर आप पेज नंबर देखोगे तो वहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में दिया हुआ है डिस्टिंगज़ का एक फैक्टर ये है कि मोस्टली जो भी डिस्टिंगूज या डिफरेंस बिटवीन होते हैं उसमें हमें पॉइंट वाइज डिस्टिंगज़ बताना होता है बट जो हमारा गिवन टेक्स्ट बुक है उसमें से वो पॉइंट निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है तो अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे तो आप आसानी से इसका डिस्टिंग्यूज़ बता पाएंगे या तो मैं इस वीडियो के बाद क्या करूँगा कि इनके डिस्टिंगज़ के वो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पर इन डिस्टिंग्यूज़ के बारे में हम देख लेंगे कि वो पॉइंट कौन कौन से हैं लेकिन अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल होगा तो आपको आसानी से इनके आंसर मिल जाएंगे तो मैं बुक का पेज नंबर बता देता हूँ तो साथ ही साथ में आप वहाँ से रेफर कर लेना उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ डिस्टिंग्यूज़ बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये वाला जो डिस्टिंग्यूज़ है ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है अब यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसमें कौन से फ़ोर्स एक्ट होते हैं तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है राइट right? तो इसके बारे में डिस्टिंग हमें देना है इसका आंसर आपको पेज नंबर ट्वेंटी थ्री में मिल जाएगा सेम चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स देन थर्ड जो हमारा मेन डिस्टिंगूज है दैट इज़ डिस्टिंगज़ बिटवीन स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो ये जो डिस्टिंगूज है ये इस साल के लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंगूज़ बनता है जिसे आपको करना चाहिए हो सकता है कि आपके कॉलेज के प्रीलियम्स एग्जाम वगैरह में भी इसे पूछा गया हो तो इसका आंसर आपको पेज नंबर फोर्टी फोर में मिल जाएगा जहाँ पर क्लियरली आपको फोर पॉइंट्स दिए हैं तो उन फ़ोर पॉइंट्स को आपको कर लेना है उसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट दैट इज़ डिस्टिंग बिटवीन रिवर्सिबल एंड इिवर्सिबल प्रोसेस तो ये जो डिस्टिंगूज़ है ये चैप्टर नंबर फोर थर्मोडाइनमिक्स से आता है जिसका आंसर आपको पेज नंबर एटी एट में मिल जाएगा वहाँ पर आपको पॉइंट्स थोड़े ढूंढ के निकालने पड़ते हैं अगर नोट्स होगा तो आपको डायरेक्टली वो पॉइंट मिल जाएंगे अब ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और इसमें मैक्सिमम थेरेटिकल पार्ट ही है तो आप इसको पार्ट को जरूर प्रिपेयर कर लेना उसके बाद हम देखते हैं डिस्टिंगूज बिटवीन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स तो बेसिकली ये जो डिस्टिंगूज है इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर सिक्स सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जिसका आंसर आपको पेज नंबर 141 में मिल जाएगा यहाँ पर हम ये बताते हैं कि हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स में क्या डिफरेंस है जैसे कि एक बेसिक डिफरेंस तो हमें पता होता है कि इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम हार्मोनिक्स कहते हैं और हायर फ्रीक्वेंसीज को हम ओवरटोन्स कहते हैं तो ऐसे करके आपको दो से चार पॉइंट्स कर लेने हैं इसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर सेवन जो कि है वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग आपको मिलता है दैट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रॉन हॉपर एंड फ्रेशनल डायफ्रैक्शन तो पेज नंबर 176 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा जहां पर फ्रेन हॉपर और फ्रेशनल डायफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है तो आप अगर उसमें पॉइंट्स निकालेंगे तो आपको आसानी से वो पॉइंट्स मिल जाएंगे उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर एट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ही डिस्टिंगूस है दैट इज़ डिस्टिंग्यूज बिटवीन पोलार एंड नॉन पोलार डायलैक्ट्रिक यानी हमें ये बताना है कि पोलार डायलैक्ट्रिक और नॉन पोलार डायलैक्ट्रिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है तो इसका आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 200 हंड्रेड टू टू में मिल जाएगा अब यहाँ पर कर, कर, करना क्या है आपको कि पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है उसमें से आपको फोर पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है थ्री पॉइंट आप ऐसे ले सकते हो फोर्थ पॉइंट आप एग्जाम्पल भी कंसिडर कर सकते हो उसके बाद लास्ट अब हम बात करते हैं डिस्टिंग बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर यानी ये जो डिस्टिंग है ये हमें मिलता है चैप्टर नंबर नाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो इसका आंसर आपको पेज नंबर टू ट्वेंटी सेवन में मिल जाएगा जहां पर क्लियरली हमें टेक्स्ट बुक में फाइव पॉइंट्स दिए हैं उनमें से हम फोर पॉइंट्स कर सकते हैं राइट right? अब मैं आपको बताता हूँ कि इन एट डिस्टिंग्यूज या डिफरेंस में से वो टॉप फाइव कौन से हैं जिन्हें आपको एनी हाउ प्रिपेयर करना ही चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि आप डिस्टिंग्यूज़ बिटवीन स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड फ्लो प्रिपेयर कर लो उसके बाद है डिस्टिंग्यूज बिटवीन रिवर्सिबल एंड इिवर्सिबल प्रोसेस देन है डिस्टिंगूज बिटवीन हारमोनिक्स एंड ओवरटोन्स तो ये थ्री हो जाएंगे उसके बाद है डिस्टिंग्यूज बिटवीन फ्रॉन हॉपर एंड फ्रेशनल डायफ्रैक्शन और लास्ट जो फिफ्थ नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ डिस्टिंग्यूज़ बिटवीन अ मीटर एंड वोल्ट मीटर तो एटलीस्ट ये टोटल एट डिस्टिंग्यूज़ में से आप ये टॉप फाइव डिस्टिंगूज़ को एग्जाम के लिए जरूर जिससे ज़रूर प्रिपेयर कर लें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन जानने के लिए या सॉल्व अनसॉल्व एक्सरसाइज़ के न्यूमेरिकल्स के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी साथ ही साथ में या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो वहाँ पर मैंने सारे लिंक प्रोवाइड किए हैं रिलेटेड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन related to the formulas video solved example, numericals and exercise numericals, log, anti log वगैरह ये सारी चीज़ें क्यों मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक देख लेना और वहाँ से आप विज़िट कर सकते हो और उन्हें देख सकते हो